दिनेश जी आप बताइए आपका कितना वजन है? सर वो मेरा वजन 50.1 केजी। क्यों? माफ कीजिएगा दिनेश जी, पर आप ये प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। हमें आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अरे सर जरा गौर फरमाइए, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। नमस्कार दोस्तों, एशियन गेम्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशियन गेम्स चल रहे हैं और इसमें आज होने वाला है सेमीफाइनल। तो इसमें जो भी जीतेगा वो जाएगा ग्रैंड फिनाले में। दोस्तों ये मुकाबला है हमारे पास ही के गांव की जामनगर से गीता और हमारे गांव घिहाड़ा की गिनेश होगाट के बीच। और सर आपने तैयारी तो अच्छे से कराई है ना? हाँ हाँ मैडम, एक नंबर की तैयारी कराई है। देखिएगा अपनी गिनेश होगाट कितना अच्छा खेलेगी, चैंपियन है अपनी, चैंपियन। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया आपको देखकर। मतलब लड़कियों का भी अब रेसलिंग कॉम्पिटिशन होने लगा, क्या बात है। हाँ भाई, अब अपने देश की बेटियां भी नाम रोशन कर रही हैं। कल दिन देखना मेरी पहलवानी करूंगा, ये खाड़ूंगा। ऐसी कुश्ती करे, ऐसी कुश्ती करे मल्लही में, ऐसे ऐसे पटक के मारे, तू पता मैं सब में जीत जाऊं। अरे वाह, तो मजा तो आ गया, हमारे भाग से खुल गए, इतना अच्छा लग रहा है देख के। बालिकाएं भी अब रेसलिंग कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ अब हमारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा एकदम, हम तो चूल्हे चौके के फुर्सत ही नहीं है। हाँ जीजी, उनकी मम्मी कितनी खुश आ रही होंगी ना। ओ बल्ले बल्ले भाई, दीदी ने देखा कितना मजा आ रहा है भाई। अब तो मेरा भी जोश आ गया, मतलब अबकी बार मैंने भी सोच रखी कुश्ती करनी है चाहे कुछ है। हाँ भाई, अबकी बार तो मैंने भी सोच लिया, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, मैं भी रेसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा इस बार। ओ अबकी बार का तो खत्म हो गया, तो अगली बार पार्टिसिपेट करी। इसीलिए इन्हें रेसलिंग का मौका दिया जाता है। तालियां, वाह गीता वाह, तुमने नाम रोशन कर दिया। उठो फ्रेंड। चलिए भाई, गीता जी अब अपने पाले में आ गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। चलिए भाई अब गिनेश जी की बारी है, गिनेश जी मैदान में आइए। सरपंच जी, अपने गांव की लाली है, तुम इतने फॉर्मल जो है रही हो। बाबा तरक समझे करो, ये मैं चेहरा है। बाबा ना भैया, मैं तो कितने बड़ा हूँ। ए बाबा मोटे तो बड़े हो, चुप है जाओ भाई, सब मैच देख लें दो। हाँ तो गिनेश जी आप बताइए आपका कितना वजन है? सर वो मेरा वजन 50.1 केजी। माफ कीजिएगा गिनेश जी, पर आप ये प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। हमें आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अरे सर जरा गौर फरमाइए, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सर देखिए, बहुत ही होनहार खिलाड़ी है ये, इसे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए इसका वजन बढ़ गया है। ये 2-3 दिनों से लगातार खेल खेली जा रही है। देखिए मैडम, मैं आपकी सभी बातों को समझता हूँ, लेकिन मैं गिनेश को कोई मौका नहीं दे पाऊंगा। हमारे गाँव की लाली है, थोड़ी है समझ सरपंच जी। कैसे कर ले भैया, माइक का तू ले रहा, तू बात कर ले। लाओ तो मुझे दे दो।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, ये तो एक तरफा मैच हो जाएगा फिर। अरे भैया तुमको पता नहीं है हमारी लाली जरूर जीतेगी, हमें पता है। दादाजी आप कैसी बात करते हैं, तो क्या हमारे खिलाड़ी में दम नहीं है? सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू सर। 100 ग्राम से क्या ही होगा सर, 100 ग्राम तो पानी पीने से भी बढ़ जाता है, पर एटलीस्ट मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। देखिए गणेश जी, हम आपकी कोई दलील नहीं सुन सकते, इस मैच को हम यहीं रद्द करना चाहते हैं। मुझे लगता है सरपंच जी आपको एक मौका देना चाहिए। भैया तुम्हें अपने मन की बताओ, मूवी ऐसी लग रही है, एक मौका दे देना चाहिए, लड़की है पर मैं बात दे हूँ। तो सरपंच जी जरूरी है कि जैसे स्क्रिप्ट में लिखा मौका ना दिया जाएगा तो मौका ना दिया जाएगा, गणेश जी एक मौका जरूर देना चाहिए। हाँ भाई सरपंच जी, आप लड़की को मौका दीजिए, वरना 2 दिन बाद बात करते हैं इस बारे। चलिए ठीक है, तो 2 दिन बाद बात करेंगे। हाँ तो सरपंच जी 2 दिन हो गए, अब आपने क्या डिसाइड किया है? पक्की बात है हमारी लाली को मौका जरूर मिलेगा। हाँ भाई, इतनी होनहार खिलाड़ी को मौका जरूर मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ, मौका जरूर मिलना चाहिए। हाँ तभी तो हम जैसी लड़कियों को मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे लिए इतनी तकलीफ ना उठाएं। माँ मैं अब की बार हार जरूर गई हूँ, लेकिन अगली बार जीत कर दिखाऊंगी। सॉरी बेटा। सॉरी काहे की, वजह हो रही अपन नंगा और पुलिस वाले हो। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और धुआंधार शेयर करना ना भूलें।